दोस्तों, अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली अभिनेत्री कल्पना मोहन 60 के दशक की पॉपुलर हीरोइन बनकर उभरी थी। जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल। कल्पना का जन्म कश्मीर में हुआ था। उनके पिता अवनी मोहन स्वतंत्रता सेनानी थे। कल्पना का असली नाम अर्चना था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदल लिया था। हमारे गांव कोई कल्पना ने बचपन से ही शौक शौक में कथक सीखना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी प्रस्तुतियों की सराहना होने लगी। जाने कहाँ देखा है, कहाँ देखा है तुम्हें। दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू उनके बड़े प्रशंसक थे और उनका उत्साह बढ़ाते रहते थे। कल्पना मोहन ने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था तो वो बड़ी बड़ी हीरोइनों के लिए खतरा बन गई थी। कल्पना अच्छी एक्ट्रेस के साथ अच्छी कथक डांसर भी थी। कल्पना मोहन की फिल्म प्रोफेसर सन 1960 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कल्पना ने शम्मी कपूर के साथ काम किया था। कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही थी। फिल्म के गाने भी सुपरहिट थे। मैं चली पीछे पीछे जहां। इस फिल्म के बाद हर जगह कल्पना मोहन चर्चा में आ गई थी। तभी देवानंद की नजर भी कल्पना पर पड़ी। उन्होंने अपनी फिल्म तीन देवियों में इन्हें साइन कर लिया था। उस समय की पॉपुलर एक्ट्रेस नंदा और सिमी ग्रेवाल के साथ कल्पना ने जोड़ी बनाई थी। इस फिल्म ने भी रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। कल्पना की आंखें बेहद खूबसूरत थी। हर कोई उनकी आंखों की तारीफ करते नहीं थकता था। कल्पना ने करीब 10 साल तक फिल्मों में काम किया। दिन जवानी के चार यार प्यार किए जा, दिन जवानी। उनका करियर काफी छोटा रहा, लेकिन जब तक वो फिल्मों में रही तब तक दूसरी हीरोइनों के लिए खतरा बनी रही। दिल तुमने दे दिया, क्यों तुमने ले लिया, अरे ये हमने क्या किया। जब कल्पना ने फिल्मों में काम करना शुरू किया तो उन्होंने एक फिल्म में मधुबाला जैसी सुपरस्टार को भी रिप्लेस कर दिया था। हालांकि ये फिल्म कुछ खास नहीं चली थी, लेकिन मधुबाला को किसी फिल्म में रिप्लेस करना ये एक बड़ी बात थी। प्रोफेसर कल्पना की तीसरी फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी। शम्मी कपूर के साथ इतनी बड़ी हिट फिल्म देने के बावजूद जब डायरेक्टर ने फिर से शम्मी और कल्पना की जोड़ी बनानी चाही तो शम्मी ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। शम्मी का कहना था कि वो सनकी हैं। शम्मी कपूर उस वक्त के पॉपुलर हीरो में से एक थे। उनके कल्पना को सनकी कहने के बाद से हीरो ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। डायरेक्टर भी उन्हें अपनी फिल्म में लेने से कतराने लगे थे। कल्पना को अपने 10 साल के करियर में फिल्में कम ही मिली। उन्होंने कई फेमस एक्टर्स के साथ काम किया था। कल्पना फेमस होना चाहती थी, लेकिन अपने गिरते करियर को देखकर वो डिप्रेशन में जाने लगी थी। तभी उनकी लाइफ में राइटर सचिन भौमिक की एंट्री हुई। कल्पना ने सचिन से शादी कर ली। शादी के बाद वो फिल्मों से गायब हो गई, लेकिन उनकी शादी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। जल्द ही दोनों का डिवोर्स हो गया था। इसके बाद 1967 में कल्पना ने एक नेवी ऑफिसर से शादी कर ली थी। दोनों के एक बेटी प्रीति भी हुई। कल्पना के पति की ज्यादा कमाई नहीं थी। कल्पना ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके ससुर उन्हें धमकाते थे, कहते थे कि अपना बंगला मेरे बेटे के नाम कर दो, लेकिन कल्पना ने ऐसा नहीं किया और दोनों का साल 1972 में डिवोर्स हो गया था। कल्पना ने अपनी बेटी प्रीति को अकेले ही पाला। कल्पना अपनी बेटी के साथ पुणे शिफ्ट हो गई थी। आखिर के दिनों में उन्हें चेस्ट इन्फेक्शन और लकवा मार गया था। वो 5 साल तक इस बीमारी से जूझती रही। वो इस बीमारी की वजह से बेहद कमजोर हो गई थी। साल 2012 में हॉस्पिटल में ही उनका निधन हो गया था। तो दोस्तों, आपको बॉलीवुड की महान अभिनेत्री कल्पना मोहन कैसी लगती हैं? हमें लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मसालेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।